और अब मैं आग्रह करूंगी, बुलाना चाहूंगी मैं मेरे सहयोगी जयप्रकाश को, आप मंच पर आएं और इस सेशन को मैं और जयप्रकाश आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का और इस सेशन की जो शुरुआत है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आज यहाँ हम सिर्फ सरकार की बात नहीं करेंगे कि सरकार के पाइपलाइन में क्या है या फिर राजनीतिक प्रतिक्रिया जो सामने आती है इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर विधानसभा के, इन सारे मुद्दों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम आज एक स्कूल के प्रांगण में हैं, शिक्षा के मंदिर में हैं। तो बात जो होगी यूथ से रिलेटेड होगी, तो सभी यूथ जहां इस वक्त मौजूद हैं मैं चाहूंगी कि ध्यान से सुनना अपने मंत्री को, क्योंकि आपके भविष्य की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार ने इनके कंधों पे दी हुई है, जिनके पास जो डिपार्टमेंट है, जवाबदेही इनकी भी बनती है। सवाल आप भी पूछ सकते हैं, माइक आपको भी दिया जाएगा, मंच आपको भी दिया जाएगा, तो बच्चों से खुला संवाद होगा। और ना सिर्फ बच्चे सर, हमारे साथ जो बिजनेसमैन हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सनालिटीज हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे भी खुला संवाद होगा आज। बिल्कुल, और देखिए अभी तक आप बिजनेसमैनों को सुन रहे थे जो सफल बिजनेस है, शेखर सुमन जी उनसे बात भी कर रहे थे कि कैसे वो सफल हुए, और आप सभी को अपने टिप्स अपने अनुभव शेयर भी कर रहे थे। लेकिन भाई किसी को अगर पॉलिटिक्स में जाना है, नेता बनना है, तो ये बता देंगे आपको, आपके मन में कोई सवाल हो तो इनसे ज़रूर पूछिएगा। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें, संजय निषाद जी और विजय लक्ष्मी गौतम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय निषाद जी सबसे पहले, क्योंकि हम यूथ पर फोकस कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन, क्योंकि भारत सबसे बड़ा युवा देश है, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, तो ये यूपी है भैया, इसमें सबसे ज़्यादा युवा हैं, एक बहुत बड़ी बात है। तो युवाओं के लिए आपकी सरकार किस दिशा में काम कर रही है, और आप देखते हैं जब से योगी सरकार आई है यूथ को बढ़ावा मिला है? पहले तो आपके चैनल और दर्शकों को और मेहमानों को मैं बधाई दूंगा कि आज एक ऐसे प्लेटफार्म पर हमें लाए हैं कि जब मैं यूथ था तो मैं जयपुरिया इंटर कॉलेज में पढ़ता था, मैं आनंद नगर गोरखपुर में इम्तहान देने गया, और हम लोग 112 लड़कों में केवल 12 लड़के पास हुए थे, और 12 लड़कों में मेरे को सेकेंड डिवीजन, 112 पास हुए थे, केवल 112 में हम लोग 12 पास हुए थे, और फर्स्ट डिवीजन बनने से एक नंबर कम हो गया, तो मैं हम तो बना, बाद में राजनीति में आया, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि बिजनेस मैनेजमेंट तो अभी चल रहा था, लेकिन देश में युवाओं और सबके बीच में बुजुर्गों को, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग को, देश को मैनेजमेंट जो होता है वो पॉलिटिक्स से होता है, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना इसीलिए हुई कि सबको मैनेजमेंट करके आगे चला जा। तो आपका जो सब्जेक्ट है यूथ, और जो है यूथ और बूथ जो है, तो राजनीति में बूथ था, आज यूथ को आप बूथ दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बधाई दूंगा। हमारी सरकार मैनेजमेंट की देन है कि जो पिछली सरकारें थीं उसमें जो है अर्थव्यवस्था कहाँ था, आज मोदी जी के मैनेजमेंट की देन है कि अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आया है। और जो मैं अभी ब्रिटेन गया था, लंदन गया था मैं, वहाँ स्कॉटलैंड गया था, तो मैं देखा वहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था, हमें इतनी खुशी है कि जिन अंग्रेज़ों ने, जिन ब्रिटेन ने हमें 350 वर्ष गुलाम बनाया था और उस अर्थव्यवस्था में हमसे ऊपर रहा करता था, लेकिन मोदी हमारी सरकार की मैनेजमेंट की देन है कि आज ब्रिटेन अर्थव्यवस्था में हमसे नीचे है, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सबसे पूरे देश में दूसरे नंबर पर लाया है, समय आएगा तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा, एक नंबर की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, विजय लक्ष्मी गौतम जी भी हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद है, महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं स्कूल के प्रांगण में। निषाद जी ने अपने एक्सपीरियंस को बताया है कि कैसे यहां से ये पास आउट हुए थे, कितने बच्चे थे, अपने पुराने दिनों को याद किया है। मैं चाहूंगी मैम आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में, मंत्रालय के बारे में, खास करके कानपुर में, क्योंकि हम यहां मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, ये जो शहर है वो कई किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके कई सारे ग्रामीण इलाके से ये कानपुर शहर भी घिरा हुआ है,
वहाँ की बच्चियों को लेकर के भी आप कुछ साझा करना चाहें, क्योंकि वो नहीं पहुँच पाती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हैं, संस्थान भी हैं, लेकिन वहाँ तक का जो सफ़र, जो रास्ता होता है वो तय नहीं कर पाती हैं, सिक्योरिटी चाहे वजह हो जाए या फिर कोई और वजह हो जाए। तो उन पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग की हम बात करें, बच्चियों को यहाँ लाने के लिए, इस मंच तक पहुँचाने के लिए, इसके आगे पहुँचाने के लिए आप क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद कानपुर के इस जयपुरिया शिक्षा मंदिर में हमें आपने यहाँ बुलाया, हमें भी ऐसे मंच पे आकर के सरकार के बारे में, जिस सरकार में हम सहयोगी मंत्री के रूप में ग्राम विकास विभाग देख रहे हैं, इसके बारे में बताने के लिए अवसर मिला। इसके लिए आप जी ने उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जयपुरिया शिक्षा मंदिर के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल किया, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने काफ़ी चीज़ें बताई। और हमारे ग्राम विकास विभाग से बताऊँ तो मुझे लगता है कि कभी लगता नहीं था कि सरकारें इतना काम करती हैं, और इतना सरकार सीधा मोदी जी की कोई योजना हो, जैसे PMJSY की जो हमारे विभाग से, ग्राम विकास विभाग से जो RES विभाग है, वो गांवों में जा जा करके आज छोटी छोटी सड़कें, यानी 500 मीटर से ज़्यादा की भी सड़कें हैं, वो भी PMJSY से लेकर के बन रही हैं, और वो FDR तकनीकी से बन रही है, कम से कम पैसे में। जो पहले पैसे खर्च होते थे, PWD द्वारा सड़कें बनाई जाती थी और 5 साल की तो कम से कम गारंटी रहती थी, लेकिन वो 3 साल में 2 साल में ही खराब हो जाती थी, फिर रिपेयर में चली जाती थी। लेकिन आज FDR टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, रिसाइकलिंग करके बनाया जा रहा है, वेस्ट मटेरियल को कंपाइल करके बनाया जा रहा है, तो जिसके कारण हमारे पैसे का तो बचत हो ही रहा है, और वो सड़कें कम से कम 10 से 15 साल, चूंकि अभी पहली बार वो सड़कों का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल पा रहे, लेकिन जो हमें इस टेक्नोलॉजी का इजाफा किया जिन लोगों ने, उन लोगों ने बताया कम से कम 15 साल तक वो बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी से ये बनाई जा रही है। तो लगातार हमारे ग्राम विकास विभाग के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। हमारा मनरेगा विभाग है, मनरेगा विभाग के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से गाँव गाँव में 200 मीटर की CC, जो कभी इतना काम नहीं हुआ करता था, 60-40 के रेशियो से लगातार गाँव गाँव में काम हो रहे, मतलब जिले से लेकर के गाँव तक की कनेक्टिविटी को भी लगातार PMJSY से लेकर के ठीक किया जा रहा है। और ग्राम विकास विभाग से जो हमारा काम है, लगातार महिलाओं को, श्रमिकों को, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी आधी आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का, वो भी लगातार हो रहा है। एक बड़ी बात कही कि आधी आबादी को सशक्तिकरण है करना है। पहले नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि देखिए मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, जब तक सरकार यहाँ CM योगी नहीं थे तब 13% के आसपास महिलाओं की भागीदारी थी नौकरी पेशा में या वो स्वयं सहायता समूह में, तो अब वो 31% हो गई है। ये आंकड़ा है, ये 13% से 31%, और उसका उदाहरण देखिए हमारे इस हॉल में ज्यादातर महिलाएं नजर आ रही है, यानी नारी शक्ति नजर आ रही है, ये एक अच्छी बात है। आप सिर्फ यहाँ ही नहीं देखेंगे, आप प्रशासन में भी देखेंगे, हर जनपदों में हमारे CDO, हमारे DDO, हमारे BDO, हमारे जो है ग्राम विकास सचिव, मतलब हर स्तर पर, चाहे आप DM रैंक से देख करके नीचे तक जाएंगे, हमारी महिलाओं की भागीदारी आज बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम अच्छा सुशासन सरकार की तरफ से दे रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्तियाँ हो रही हैं। रही बात कि जो पहले दलित, पिछड़े, अगड़े की जो लगातार भेदभाव हुआ करता था, ये हमारी आधी आबादी के लिए आज ये भागीदारी क्यों बढ़ी? आप मानती हैं कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा कारण रहा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, सरकार ने ऑपरेशन बजरू चलाया, CM योगी कहते हैं कि देखिए भैया अगर आपने किसी की लड़की को छेड़ा तो पहले इस चौराहे पर तो आप लड़की छेड़ देंगे, लेकिन दूसरे चौराहे पर यमराज आपका इंतजार करेगा। तो आप मानते हैं कि ये जो पहल की सरकार ने, महिला सुरक्षा पर फोकस किया, उसकी वजह से समाज में, नौकरी पेशे में या जो स्वयं सहायता समूह है उसमें भागीदारी महिलाओं की इसीलिए बढ़ी है? मैं सबसे बड़ी बात आपने कही कि ये पहल के अनुसार, निश्चित रूप से जब हमारे लोकतंत्र में हमारी ये व्यवस्थाएं जो चलती हैं वो सशक्त मजबूत होती हैं और वो निर्णय लेने वाली होती हैं, तो निश्चित रूप से आम जनमानस पे इसका प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से हमारी आधी आबादी, हमारी महिलाएं, बहनें जो गाँव में रह रही हैं, जो कम पढ़ी लिखी बहनें हैं, जो चौखट से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो भी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बाहर
निकल रही है, मैं आपसे बताना चाहूंगी कि वो बहनें जो अपने भाई को लिए बिना, अपने पति को लिए बिना, अपने पिता को लिए बिना स्कूल कॉलेज अस्पताल या कहीं भी किसी संस्थान में जाना हो बिना साथ लिए नहीं जाती थी, आज अकेले धड़ल्ले से आप, मैं देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा से हूँ, वहां से लखनऊ कानपुर दिल्ली कहीं जाना हो जा रही है। और रही बात आपने गाँव की बेटियों के बारे में कहा, आज गाँव गाँव में हमारे कम पढ़े लिखे लोग भी आधी रोटी खा के, मैं कहूंगी कम से कम अपनी व्यवस्थाओं में भी अपनी बेटियों को पूरा पूरा शिक्षित करने का कार्य किया। निश्चित रूप से सरकार इसको प्रोत्साहित की है, सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है, सरकार ने बिना भेदभाव के हर प्रकार के कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाओं को मुहैया कराया है, तो निश्चित रूप से हमारी आधी आबादी सशक्त मजबूत और आधी आबादी की बुलंद आवाज को आप यहाँ भी सुन सकते हैं, जिनसे मैं कुछ मिनटों से सवाल भी पूछना चाह रही हूँ, लेकिन आवाज इतनी बुलंद है, हमारी सरकार ने क्या किया वो चीजें यहाँ गिनवाते थक नहीं रही हैं। तो ये है महिला वाकई सशक्तिकरण और नारी सशक्तिकरण, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो चाहे दिशा की बात कर ले बदली है, जो नजरिया है, जो विचारधारा है वो बदला है, या सरकार ने एश्योरेंस दिया है उनकी सुरक्षा को लेकर के, भले ही कुछ ऐसे बयान दे जाती होगी आदित्यनाथ जो सालों साल चर्चा में रहता है, बड़ा विवादास्पद भी रहता है, लेकिन बावजूद इसके महिलाएं उसका वेलकम करती है। महिलाओं से मैं इस पर रिएक्शन जरूर लूंगी। संजय निषाद जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, अब आपके डिपार्टमेंट की जरा हम शिक्षा की भी बात करते हैं। 75 जिले उत्तर प्रदेश में, मत्स्य पालन की हम बात करें, इससे जुड़ी जो शिक्षा आप देते हैं, एक तो ये कानपुर शहर जहाँ आज हम पहुंचे हुए हैं, जी न्यूज जहाँ पहुंचा है, जी मीडिया कॉन्क्लेव यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो सरकार उसके लिए यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी को सरकार ने खोला हुआ, और दूसरा सर अयोध्या, इसके अलावा और कहाँ कहाँ आप खोलेंगे और क्या है पाइपलाइन में, क्या सब्सिडी आप देंगे कि बच्चे इस दिशा में जाएं, क्योंकि हर माँ बाप जितने यहाँ पर बैठे हैं, या अगर आप किसी को सजेस्ट भी करते हैं तो आप बोलते हैं बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, MBBS कर लो, आप इसके अलावा बाकी के क्षेत्र में पढ़ाई करें, लेकिन यूथ जो है फिर से हमने देखा फार्मिंग में, फिशिंग में, इन सारी चीज़ों में ना वापस आता जा रहा है, क्योंकि चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात कर ले तो एक बार फिर से जो यूथ है उसकी एक तरीके से घर वापसी हो रही है, वो मेट्रो सिटी से उब चुका है, वो भाग रहा है अपने घर की तरफ, तो यहाँ उसके घर में वो चीज़ें उपलब्ध हों और ना सिर्फ वो बस गुजारा करे बल्कि वो लोगों को भी जॉब दे, उसके पास भी संसाधन हो, जो पढ़ाई जो डिग्री उसने हासिल की हो वो एकदम कामयाब हो उसके अपने घर में, तो यूनिवर्सिटीज खोलने को लेकर के इस क्षेत्र में आपकी क्या तैयारियां हैं, कैसे और फिशिंग से लोगों को आप जोड़ेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर समाज अब इसका हिस्सा नहीं रहा सर, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें फैल चुकी है, और चाइना के बाद हिंदुस्तान की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है इस फिशिंग डिपार्टमेंट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये। पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि यूथ में केवल युवा में पुरुष ही नहीं आते हैं, युवतियाँ भी आती हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होता है उनका, और हमारे विभाग में जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है जो देश को, उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम मत्स्य विभाग को सबसे ऊपर ले जाते हैं, सबसे दूसरे क्षेत्रों में जो ग्रोथ रेट है वो 5 से 10% है, लेकिन हमारी फिशरीज में 20 से 25% है। हमारे यहाँ जो सब्सिडीज है उत्तर प्रदेश भारत सरकार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, उसमें पुरुषों को 40% है, लेकिन महिलाओं को हमारे 60% सब्सिडी दी जाती है, ये सबसे आगे है, इसलिए 60% सब्सिडी देकर सबसे आगे आगे। कानपुर की जो बात कर रहे हैं, कानपुर की हमारी जो DDs है वो भी महिला है, हमारी ADF है वो भी महिला है, उसे चार जिले मैंने चार्ज में दे रखा है कि महिलाओं को आगे ले आओ, कम से कम महिलाएं मेहनत करके फाइनेंशियल क्षेत्र में, बिजनेस क्षेत्र में आएंगी तो आगे बढ़ेंगी, क्योंकि महिला जो होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है, वो बच्चों को आगे बढ़ा लेती है। आज के दिन में मत्स्य क्षेत्र के अंदर बिना शिक्षा के हम कोई समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, हायर शिक्षा से ही हम हायर हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ कानपुर में है, हमारे यहाँ फिर हमारे यहाँ फैजाबाद में है, इटावा में है, अभी मैं यूनिवर्सिटी के चक्कर में हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक फिशरीज यूनिवर्सिटी हो, जिस तरीके से दक्षिणी भारत में है, अभी हमने अपने यहाँ से विजिटर जो एक्सपोजर विजिटर के लिए हमने अभी रखा है कि लड़की और लड़के दोनों जाएंगे, दूसरे प्रदेशों में जाएंगे एक्सपोजर विजिट में जाएंगे, हमारे ख्याल से सरकार के वहाँ देख के आएंगे फिर कैसे हमें पालन करना है। तो हमें यहाँ एक यूनिवर्सिटी खोलने के प्लान में है, प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे यहाँ हो रही है आज के दिन में, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से इनको सब्सिडीज है,
33 प्रकार की परियोजना। पहले इनके अंदर धारणा थी मेरे पास खेत होगा, पानी होगा, बहुत तालाब होगा तो मछली पालन करेंगे। अभी हाईटेक टेक्नोलॉजी हो गई, इतने क्षेत्र में हम इतना टन मछली पैदा कर सकते हैं कि इसके 100 गुना ज्यादा। कई और राज्य है जैसे घर के सामने उनके छोटा सा तालाब वो बना करके हर घर में, आप देखिए अगर आप उड़ीसा की हम बात कर ले, वहां चले जाएं, या बंगाल की हम बात कर ले, तो इस तरीके से लोग करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे ये चीज कम है। अभी हमने 6000 महिलाओं को इस उत्तर प्रदेश में बैकयार्ड दिया कि घर के पीछे एक छोटा सा पाउंड बना लें कि 18 फीट का टिन हो, जो उसमें उसको गोल करके नट बोल्ट से कस लें, एक तारपीन आता है उसको डाल लें, तुरंत पोखरा तैयार हो जाएगा, उसमें बच्चा डूबेगा भी नहीं, खोदने पर कभी बच्चे डूब जाते हैं खेलते हुए जाते हैं, और उसमें एक एरेटर लगा देगा, मोटर लगा देगा, और कम से कम एक जीरा बच्चे आते हैं 1000, मतलब बहुत सस्ते आते हैं, और 100 दिन के अंदर उसमें वो फिंगरलिंग तैयार हो जाते हैं, उसको मैं खुद ही उसको लेकर हम नदियों में डालें। आज महिलाओं को सशक्त करने के लिए कम एरिए में आरएस सिस्टम है, योजना आपने बता दी। महिला और पुरुष दोनों मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं कई बार। जयप्रकाश, हमने सुना भी है, चाहे पहले एक बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी बात है, किसी को डर तो नहीं लगता ना, अब लगता हो तो देखिए नेताजी जवाब देंगे कि ये कानून व्यवस्था बेहतर हुई या नहीं हुई है। देखिए किसी भी समाज को, व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, ये तीनों है। पहले सम्मान, युवाओं को, हर व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों को सम्मान हमारी सरकार में। सुरक्षा की गारंटी है, पहले कैसे असुरक्षित होते थे व्यापारी, असुरक्षित होते थे बच्चे, यूनिवर्सिटी में जाते थे, ये जो माफिया थे, ये जो गुंडे अपराधी थे, ये यूनिवर्सिटी में भी अपना पांव पसार रखे थे, पढ़ने नहीं देते थे, घंटी लगा दिया तमाम बवाल कराते थे। आज हमारी सरकार में आराम से बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नहीं सर, आगे बढ़ने की एक बात कही, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार। हालांकि सरकार कहती है कि बेरोजगारी की दर घटी, विपक्ष कहता है कि रोजगार दे नहीं पा रहे, देते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है, आपने देखा कितने पर्चे लीक हुए हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और आखिरकार फिर यूपी का युवा बाहर क्यों जा रहा है, ठीक है, और निवेश भी आ रहा है, निवेश इतना आया, इतना निवेश आया, बावजूद उसके ये मुद्दा क्यों बना हुआ है कि बेरोजगारी यूपी में बहुत ज़्यादा है। ये तो उत्तर प्रदेश के लिए अभिशाप था कि कई हमने प्रधानमंत्री दिया, हमने यहाँ आज के दिन में जब कोरोना आया था तो आपने देखा होगा कि कैसा रोना था कि पिछली सरकारों ने अगर कुछ किया होता तो मेरे युवाओं को दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ता। मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, योगी जी को, कि युवा जितने भी आए बाहर से उनका मैपिंग कराए कि किस क्षेत्र में स्किल है, आज हम उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स चला रहे हैं, उनको हम किसी योजना के माध्यम से सहयोग करके, उनको ऋण देकर गारंटी के आधार पर ट्रेन करके उनको रोजगार मिला रहे हैं। तो अब तो पिछले अभिशाप को धुलने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, आज उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए। आप देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, आज के दिन में आप देखो एक्सपो हुआ, तमाम उसमें हम काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में, जब पिछली सरकारों ने नहीं काम किया था। उनके अगर कानून अगर ठीक से बने होते तो नकल नहीं होता, इस तरीके से लीक नहीं होता। हमारी सरकार ने अभी कानून बना दिया, कानून बनाने के बाद देखे पुलिस का एग्जाम हुआ, कहीं कोई लीक नहीं हुआ। अब कहीं कानून से सुधार लाए जा सकते हैं, इसके मतलब पिछली सरकारों में इन अपराधियों को संरक्षण मिलता था, हमारी सरकार में अब सजा मिलना शुरू हो गया। चलिए मान लिया आपकी सरकार में संरक्षण नहीं मिलता है, जो भी पार्टियां होती हैं, देखिए पार्टियों का काम है राजनीति करना, बयान इस तरीके से देना सर वो समझते हैं हम। हमारे साथ जो ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, अगर संजय निषाद जी से कुछ सवाल करना चाहें, या फिर हमारे साथ लक्ष्मी गौतम जी हैं, उनसे अगर आप कोई महिला सवाल करना चाहें, शिक्षिका यहाँ पर मौजूद है, माइक उन तक पहुँचाइए, आप सवाल कर सकते हैं। दोनों मंत्री हमारे साथ मंच पे हैं, कोई सवाल जी चलिए यहाँ रखिए। अच्छा, स्टूडेंट है सर, यूथ हमारे साथ। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जैसे अपने बयान की शुरुआत में कहा था कि भारत अभी ब्रिटेन से आगे हो गया अर्थव्यवस्था में, तो क्या ये भी सच बात नहीं है कि हम अभी भी उनके कहीं भी आसपास भी नहीं है एक एवरेज इनकम में, जो एक पर पर्सन की एक एवरेज इनकम है, और जो आज़ादी के बाद अभी भारत में अमीर और गरीब के बीच में सबसे ज़्यादा इनकम की डिस्पैरिटी है, क्या ये भी एक सच्चाई नहीं है जो अक्सर नहीं बताई जाती है? देखिए बहुत अभिशाप है कि त्रेता में जब भगवान राम और निषाद राज थे तब सुख का राज था, तब सोने की चिड़िया कहते थे, तब जीडीपी ग्रोथ 33.5 था। मैं नहीं कहता हूँ, जो नोबेल प्राइज जो है हमारे जो है
अमर सेन है, उन्होंने लिखा है जस्टिस ऑफ इंडिया में कि हमारा जीडीपी ग्रोथ उस समय 33.5% हुआ करता था, लेकिन विदेशियों ने अगर आक्रमण करके हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर 1150 बरस गुलाम बनाया हो, इस भारत के गुलाम देश में जिसने आज़ाद कराया हो वो 5 साल 16 दिन भी गुलाम रहा हो, 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुआ। तो आज के दिन में मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, योगी जी को, कि पूरे दुनिया में फिर से भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होगा। एक समय नहीं, युवाओं के लिए इतने साधन रोजगार हैं, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, हर कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा होगा जिसमें हमारी सरकार ने काम नहीं किया हो। अब विपक्ष को नहीं, अब विपक्ष के बाद बयानबाजी के अलावा तो कुछ बचता नहीं है, वो खाली युवाओं को, देश के लोगों को केवल अंधा बनाया, अपना धंधा चलाया, और हमारी सरकार ने लोगों को धंधे रोजगार करने के लिए अवसर प्रदान। रेवड़ी बेचने वाले सड़क पर जो है बिना गारंटी के उन्हें 10,000 रुपये हम दे रहे हैं, अगर हमारी सरकार कहती भाई नाम लिख दो हम 10,000 रुपये तुम्हें दे रहे हैं, तो नाम भी नहीं लिखने दे रहे हैं, उचार गरीब पड़े रहे, उनका झंडा उठाते रहे। निशा जी, सबसे बड़ी बात ये है, भाषण आप दे देते हैं हर मंच से, देखिए इन्होंने भी जो सवाल पूछा, कंफ्यूज है बच्चा, आप कुछ कहते हैं क्योंकि आप लोग राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी हैं, बयान दे देते हैं, कोई और कुछ बयान दे के चला जाता है, बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, और ये यही आशंका है, ये क्लैरिटी थी एक कि आखिरकार ऐसा है क्या। तो कई बार इस तरीके के बयानों से भी मेरे ख्याल से बचना चाहिए, जो सच्चाई आंकड़ों के साथ सिर्फ सामने रखे, ताकि बच्चे भी जो है वो मिसगाइड ना हो। यही आपका सवाल था कि सच्चाई आखिर क्या है, और कुछ मैम से कोई सवाल, एक सवाल और पूछना चाहते हैं अभी स्टूडेंट जी। जी 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 सर, आज की डेट में प्रधानमंत्री के स्तर पे, आज की डेट में प्रधानमंत्री स्तर पे कई सारी योजनाएं बनती हैं लोगों के लिए, तो क्या वो जरूरतमंदों तक एक्चुअली पहुंच रही हैं? क्योंकि अगर नहीं पहुंच रही है वो दिख नहीं रहा है, अगर पहुंच भी रही हैं, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है लोगों की मदद करने के लिए, बट वो उन तक पहुंच ही नहीं रहा है, वो कहां जा रहा है बीच में? ये एक सवाल मैं आपसे लूंगा, क्योंकि देखिए शहर तक योजनाएं पहुंच जाती हैं, गांव तक नहीं, और आप ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, आप बताइए ना कि वो आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाती, उनका ये सवाल है। कई बार बीच में योजना पैसा आता है, बजट आता है, अब देखिए यूपी का बजट आप करेंगे, 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया आपकी सरकार ने, लेकिन क्या इतना बजट ग्राउंड पर उतर पाता और क्यों नहीं उतर पाता? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब बहुत बेस्ट होगा, पूर्ववर्ती सरकारों में जब सरकारें रहा करती थी तो वो बोलती थी कि देश केंद्र से 100 रुपया चलता है, तो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो 10 और 15 पैसा बच जाता है, इस तरह का पूर्ववर्ती सरकारों में था। लेकिन मैं कह सकती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए डिजिटल भारत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, आज गांव गांव में चाहे वो युवा हो या महिला हो या किसान हो, वो किसी भी जात का हो, अगर गरीब कल्याण की योजनाएं बनी है। बीच में रोक रही हूँ, इन योजनाओं के बारे में बात हो रही है चूंकि आपका डिपार्टमेंट भी है, तो क्या आपके डिपार्टमेंट से जिन योजनाओं का संचालन होता है उसके लिए कुछ डिजिटल ऐप है जिसके माध्यम से उसको ट्रैक कर सकते हैं किस तक क्या योजना पहुंची है? ये डिटेल्स लोग घर बैठे अपने फोन पे इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, वही होगी, मैं यही बताना चाह रही थी आपको, क्योंकि आज हम भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। सरकार गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं बनाई हैं और हर गांव की माताओं बहनों को डिजिटली जोड़ रखा है। अभी पीछे बैंक के लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे और डिस्कशन में आया कि जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब इस देश में 2014 की गद्दी को संभाला तो आधी आबादी को यानी कि 50,000 करोड़ महिलाओं को जो है खाता खुलवाया। उन बहनों को, जो बहनों कभी बैंक जाती भी नहीं थी, उनको पता भी नहीं था कि बैंक जाया जाता है और उनका खाता खुलना चाहिए, उन बहनों का भी खाता खुला। वो खाता यूं ही नहीं खुला था, ये सरकार की सोच थी कि पहले बहनों को डिजिटली जोड़ा जाए। आज गांव गांव उन बहनों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितनी बहनें उन खातों से जुड़ी हैं, आज सरकार की गरीब कल्याण योजना के
साथ जितने भी आवास का आवंटन हो रहा है वो सारे आवास का पैसा अगर 2.5 लाख रुपया केंद्र से चलता है तो 2.5 लाख रुपया सीधा गांव के किसी गांव के कोने में, भारत के किसी गांव के कोने में उस माता बहन या उस भाई के खाते में 2.5 लाख रुपया सीधा पहुंचता है। उसमें कोई दलाल और बिचौलिया नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ले लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ले लीजिए, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन ले लीजिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ले लीजिए, यानी कि सरकार की कोई भी गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल हर जनता के खाते से जुड़ी हुई हैं और सरकार बीच में बिचौलियों के माध्यम से कतई नहीं कर रहा। सभी सरकारों के सभी विभाग निश्चित रूप से आम जनता से जुड़ा हुआ है और उनके खातों में जा रहा है। आज बिचौलिया गायब हो चुके हैं और ये जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं वो छटपटा रही हैं, तिल मिला रही हैं, उनके लोग तिल मिला रहे हैं, तमाम तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं लौटूंगा। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय निशा जी, एक सबसे बड़ी बात है, आपने कहा उस स्टूडेंट ने कहा कि योजना ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाती है, लेकिन आप लोग जैसे आप मंत्री है तो खुद मॉनिटर भी करते हैं और अपनी बात भी रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे? अभी देखिए, मैं एक हफ्ते के लिए निकला था और 21 जिलों का मैंने बैठक किया और गाँव के पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं को बुलाता हूँ गाँव से, फिर अधिकारियों के साथ बैठता हूँ। बच्चे स्टूडेंट का जो कहना क्वेश्चन एकदम सही है, उसमें कहीं दोहराए नहीं, गांव तक अब तक नहीं पहुंचता था। उसका कारण था कि गांव के जो होशियार लोग थे वो बाहर शहर में कमाने जाते थे, और जब होशियार आदमी नहीं रहेगा तो योजनाओं के बारे में जानेगा कैसे। हमारी सरकार ने अभी हर गांव में जो है सचिवालय खोल दिया, सचिवालय पर सिस्टम आ रहा है कि वहाँ जितनी योजनाएँ वहाँ जाएँ और गाँव के उस गाँव के लोग जो समितियाँ बनी हैं उसको एक्टिव करके उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से मिले। अब हमारी सरकार ने सरलीकरण किया है कि सभी पहले योजनाएँ गाँव तक जाएँ, और अब तक तो गाँव की तरफ कोई सरकार सोचती नहीं थी। हमारे मोदी जी हैं, पहली बार है कि गाँव की तरफ सोचे हैं। हर बार मछुआरों की तरफ बात करते हैं, एक की मत्स्य क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, गांव में ही ज़्यादा मछली पालन किए जा सकते हैं, गांव के गरीबों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं। तो ये जो तरीका है कि अब हमारे पास, क्योंकि यहाँ माफिया होने के नाते इन्वेस्टर तो थे नहीं, हमारे लोग बाहर भाग जाते थे, अब जब हम उनके लिए व्यवसाय दे रहे हैं, हम उनके लिए फैक्ट्री दे रहे हैं, निवेशक दे रहे हैं, तो अब ये रोजगार यहाँ है। तो गाँव का आदमी जब पढ़ा लिखा रहेगा तो मोबाइल में देखेगा कौन सी योजना आई है, तो निश्चित रूप से फार्म भरेगा और सीधे उसको लाभ मिलेगा। ये जो अभी पहले आपने बैंक के लोग बैठे थे, उसमें तमाम बैंक के लोग हैं, कितना गांव के लोगों को दौड़ाते हैं इसमें, जैसे अभी आप देखे होंगे। एक कमी बता दूं बैंक की, कि जो अभी इसमें माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान जो आज के दिन में KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड जिसके पास खेत है उसे मिल जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा भी कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड उन्हें भी दे दिया जाए कि जो किसी भी क्षेत्र में मछुआरे हैं उनका काम करते हों, लेकिन ढेर सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके यहाँ, अब जाकर उसे पता चला है कि उनको देना नहीं चाहते। एक चीज और हम ले लेंगे और एक चीज और, जिस चीज को आप बोल रहे हैं कि ये जो लोग बैंक में भी हैं उनकी ओर भी आपका इशारा था कि काम जरा ठीक से कर ले और जल्दी जल्दी करें उसको, आप बहुत ज्यादा पेंडिंग वर्क आप ना रखें। दिक्कत होती है लोगों को, डॉक्यूमेंटेशन जो वर्क होता है उसमें होता है, तो उसके लिए भी क्या कुछ इस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं कि डिजिटल माध्यम से भी लोग उसको ऑनलाइन पहले अपलोड कर लें, बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पे वो चला जाए, क्योंकि जो गांव से लोग हैं सर, दूर दराज से आते हैं, आपसे भी मैं इस बारे में जानना चाहूँगी, जो दूर दराज से लोग आते हैं ना उनके साथ दिक्कत क्या होती है, कोई किसी छोटे बिजनेस में है, दुकान है कुछ इस तरीके से है, ऐसी योजनाएं उन लोगों के लिए होती है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए होती है, वो हर रोज सर 5 घंटे 6 घंटे ना, क्योंकि जाना बैंक में जाकर के आवेदन देना या फिर वो सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना वापस आना, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो, कहीं ना कहीं उनका आर्थिक नुकसान भी होता है जिस बिजनेस में है सर, तो घर बैठे क्या कोई बैंकर आ जाए या फिर डॉक्यूमेंट्स वहां से अपलोड उसके हो जाए, और एक चाहे आपको वेरिफिकेशन के लिए या फिर आपको जाना पड़ता है कई बार जाकर के, जो सारी चीजें बैंक की जो होती हैं वहां पर आपने कंप्लीट कर दिया, 1-1.5 घंटे का काम हुआ, क्योंकि कई लोगों से बातचीत हुई है, पहले भी इंटरव्यू हुआ या लोगों के बीच हम जाते हैं जब ऐसे बातचीत करने के लिए गाँव में, तो बोलते हैं सरकार की योजनाएं तो हैं लेकिन इतने सरकारी दफ्तर हो या बैंक हो चक्कर काटने पड़ते हैं ना कि उसमें सोचना पड़ जाता है, कई बार हम उसमें पीछे रह जाते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे आप? अभी जो डिजिटल इंडिया का जो डिजिटलाइज जोड़ा जा रहा है गाँव को, इसमें सारे लोगों की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा।
आधार कार्ड से लिंक होगा, उसके जितने भी इतिहास भूगोल आ जाएंगे, तो वेरिफिकेशन जो होगा स्वतः हस्ताक्षरित होगा। कितना वक्त लगेगा सर? 2014 से अब तो 2024 नहीं ना, अभी तो मान लीजिए अभी देखिए अभी सेमीकंडक्टर आया है, तभी तो हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तमाम हमारे पास जो साधन संसाधन थे ये विदेशी ताकतों के पास थे, अब धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर हो रहा, जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तभी डिजिटलाइज पूरा कर पाएंगे। एजुकेशन हमारा कितना स्तर खराब था, अब कम से कम देखो पहले हम लोग प्राइमरी में जाते थे तो घर से बोरी लेके जाते थे, मिट्टी साफ करके बैठते थे तब पढ़ते थे। अब प्राइमरी स्कूल को हम लोगों ने किस तरीके से कर दिया कि कम से कम उनको शिक्षा का स्तर बढ़ाए, जो हमारे प्राइवेट स्कूल हों हमारे सरकारी स्कूल एक बराबर तक से हैं। अस्पताल पहले कैसे थे कि जाके नाक बंद करके जाते थे अस्पताल में, किया कि अब डिजिटलाइज हो रहा धीरे धीरे। ये जो गाँव का जो घर घर जो मोबाइल जा रहा है ये इनके लिए एक तरीके से वरदान है। मोबाइल में जो अब लैपटॉप बढ़ रहा, टैबलेट बढ़ रहा, युवाओं को हमारे योगी जी दे रहे हैं कि कम से कम घर का बच्चे के पास टैबलेट होगा तो गांव भर को बताएगा कितनी योजनाएं आई हैं, ऐसे ऐसे है। अब बांट तो रहे हैं, आधी आबादी उसको कितना इस्तेमाल कर रही है, आधी आबादी को इस बारे में कितनी नॉलेज कितनी जानकारी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारी सरकार के अंदर आप जो कह रही हैं कि जागरूकता इतनी ज़्यादा आई है, गांव-गांव में डिजिटली आप आंगनबाड़ी हो, आशा बहुएं हो, ग्राम विकास से संबंधित स्वयं सहायता समूह की जो दीदियां हैं, बीसी सखियां हैं, विद्युत सखियां हैं, सबके पास आज मोबाइल है और मोबाइल से वो कनेक्ट हैं और कनेक्ट हो करके आज बीसी सखियां गांव-गांव में जा करके, चाहे वो दिव्यांग जन हो जो लंबी समय तक जो है बैंकों में आकर के लाइन नहीं लगा सकते, जो वृद्धावस्था में जो लोग हैं रिटायर्ड होकर के अपना पेंशन निकालने के लिए लंबी लाइन नहीं लगा सकते बैंकों में, उनके लिए सरकार ने हमारी बीसी सखियों को ट्रेनिंग करके गांव-गांव में भेजा है। आज गांव-गांव में हमारी बहनें जो है दिव्यांग लोगों के घर में रह रही महिलाओं को जो निकल करके बैंकों तक नहीं जा पाती हैं उनको लिए असुविधा है, वृद्ध जन को लिए असुविधा है, उनको पूर्ण करा रही है। इतना ही नहीं, वो खुद इस योजना के तहत लाभ उठा करके सशक्त और मजबूत हुई है। एक एक बहन हमारी 7-7, 8-8 करोड़ रुपया जमा करा रही है, साल का 10-10 लाख और 20-20 लाख इंसेंटिव पा रही है। तो ये दोनों ही बातें हैं, चाहे ये हमारी आंगनबाड़ी की दीदियां हों। इसमें एक कानून भी कुछ पुराना है। संजय जी फिर आप पूछिए, आप सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून जी, रखिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून, मुझे पता है समय की थोड़ी कमी है बट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा माइक ऊपर लेके जाइए। मुझे पता है समय की थोड़ी कमी है बट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड क्योंकि आज अब आई है तो मैं सोचा बहती गंगा में हाथ क्यों नहीं धो लेना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन, अभी आप लोग जो बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज अबाउट वुमेन सिक्योरिटी एंड कैसे जॉब्स में वुमेन हम लोग, देयर इज अ इंक्रीज इन द परसेंटेज, ठीक है, कैसे हम लोग साल बाय साल देख रहे हैं कि कैसे वुमेन इन जॉब्स आर ग्रोइंग, ठीक है। बट अभी जैसे अभी रिसेंट केस हुआ डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ, 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर, उनके खुद की फील्ड में, खुद के हॉस्पिटल में उनके साथ ऐसा कांड हुआ। अब अगर देखा जाए तो उनके केस को देख के हमारे देश की महिला सहम गई हैं। आपने अभी बोला कि एक चौराहे पे अगर कोई आदमी किसी औरत को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार करेंगे, वो ठीक है, उस अपराधी को दंड तो मिल जाएगा, लेकिन औरत के साथ जो हुआ हम लोग उसे तो सही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, सवाल प्लीज लेट मी कंटिन्यू। अब मुझे बस एक चीज़ है कि हम लोग अपनी औरतों को वो प्रोटेक्टेड फील कराने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। हमारी जो युवा, हमारे मेरी बहनें और मेरी माँ, जो अभी अगर किसी को, मेरी बहन पढ़ रही है, हमारे मेरे स्कूल की जो स्टूडेंट्स मेरे साथ, माय कॉलीग्स जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ, अब जो पढ़ लिख के कुछ किसी फील्ड में आना चाहते हैं, डॉक्टर बने, किसी बिजनेस फील्ड में जाएं, हम वो कैसे प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं। मैं इसका जवाब पहले मैम से लेना चाहूँगी। महिला सुरक्षा की बात हो रही है और एक ऐसे केस के बारे में जिक्र हुआ जब मैं ऑन एयर थी और ये खबर सामने आई, जेपी आप भी मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं मैम, हजारों खबरें इस तरीके की सामने आती हैं और हम जिस नौकरी पेशे में, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हम पत्रकार हैं, ऐसी खबरें जब सामने आती हैं, खबरों को लिखते हुए हाथ कांपते हैं, बोलते हुए जुबान कांपती है, शब्द नहीं होते हैं, सिर्फ बोलना काफ़ी, सच में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, पहले नोएडा या ग्रेटर नोएडा जिस तरीके से महिलाओं के लिए असुरक्षित था, आज उसी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मैं बात कर रही हूँ, फिल्म सिटी में हम काम करते हैं, ग्रेटर नोएडा में खुद रहती हूँ, सुरक्षा के लिहाज से बहुत तब्दीली हुई है लेकिन दुरुस्त आज भी नहीं है। आज भी मैं मेरे घर से भी अगर बाहर निकल रही हूँ रात को 11 बजे या दफ्तर से मैं घर आ रही हूँ रात में 12 बजे, डबल श्योर होती हूँ कि मेरी जो गाड़ी है वो लॉक है, शीशे सारे ऊपर है या फिर
मैं इतनी ज़्यादा विजिबल तो नहीं हूँ, मैं जल्दी से क्रॉस कर जाऊँ, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। 100% सिक्योरिटी, यहाँ अगर फीमेल्स बैठी हैं वो मेरे साथ भी अपनी आवाज़ को उठा सकती हैं। है क्या अभी सुरक्षा को लेकर के 100% सिक्योरिटी अश्योरेंस मिला है क्या आपको सरकार की तरफ से? नहीं मिला है सर, ये नहीं मिला है बाप। प्रिया जो बात कह रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि सरकार ने बहुत काम किए, सुरक्षा के लिहाज से आपकी सरकार ने काम किए, लेकिन वाकई में हम सुरक्षित फील करते हैं वो नहीं हो पा रहा अभी। आप भी एक महिला है, पहले अपनी इस चीज को बताइए। पार्टी, आज एक पार्टी विशेष से आप जुड़ी हैं, सर भी यहाँ पर मौजूद है मैम, लेकिन आप महिला हैं, आप भी अगर रात को 12-1 बजे ट्रैवल कर रही होती है, ये अश्योरेंस कब मिलेगा, ये डर हमारे भीतर से कब खत्म होगा इनको? प्रिया एस्कॉर्ट लगता है ना? मैं कहना चाहूंगी इस पे कि सबसे पहले बात कि कोई भी सरकार हो, हम चाहे जितनी सुरक्षा दे दें, जब तक हमारा माइंड, सबका माइंड और हम सभी ये नहीं सोचेंगे कि बेटों और बेटियों को हम शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि हम शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं और हमारे स्कूल से भी, हमारे परिवारों से भी बेटों और बेटियों के लिए समान वातावरण जब तक पैदा नहीं होगा। हमारा बेटा अगर 12 बजे रात को घर से बाहर से आता है तो हमारी सोच ये है कि कोई बात नहीं, वो लड़का है, लेकिन हमारी लड़की अगर घर से 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद अगर बाहर रहती है तो हम सभी डर जाते हैं, ये हमारी सोच है। हमारे विद्यालय में भी ये सिखाया जाना चाहिए। पहले हमारा प्रेयर भी होता था कि हम जितने भी ऑलवेज हमारे भाई और बहन है जो पढ़ने वाले हम लोग हैं, ये बात होनी चाहिए। घर अगर असुरक्षा की बात हो तो हम बेटियां और हमारी बहनें और हमारी महिलाएं घर में भी असुरक्षित हैं, जहां पे हम पुलिस का पहरा नहीं बैठा सकते, शासन का पहरा नहीं बैठा सकते, लेकिन सरकार जितना काम करना है लगातार कर रही है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज के डेट में कोई भी अपराधी अगर बेटियों को कहीं भी गलत नजर से देख रहा है तो तत्काल सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। विरोधी चाहे कितना भी तिल मिला रहा है, बिना जाति पाति भेदभाव के कर रही है, लेकिन सभी को इस पे सोचना होगा। हम सभी कि जैसे हम 12 बजे रात तक काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आपको सामाजिक सोच बदलने की भी जरूरत है। सरकार आपकी हिफाजत कर सकते हैं, पुलिस चौक चौराहे कर सकते हैं। जी संजय निशा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सी राजनीतिक दलों को, एक दलों को रहेगा, ऐसा नहीं कि अपराधी अपराध किया और फिर के साथ राजनीति हो जाए। फिर और जगह कांड हुआ तो जब अपराधी के साथ विपक्ष खड़ा हो जाएगा तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा ही। यहाँ तो हम तो चाहते हैं कि जिस तरीके से और दुनिया में इस तरीके से कड़े कानून बने हैं, हम तो कानून बनने से ढेर सारे अपराध रुक गए हैं, इसमें और कड़े कानून बन जाए, अपने आप अपराध बन जाए, बल्कि अपराधियों को संरक्षण दें, लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, उनके खिलाफ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, अभी अपराधियों का मनोबल खत्म हो जाएगा और सारे अपराध उत्तर प्रदेश में बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, ये यही सच है कि अपराध की कोई जाति नहीं होती, अपराधी कोई भी हो, किसी भी जात का हो, वो और साथ खड़े होकर के और जनता आम नागरिक गुमराह करने का काम कर रही है, उनको नहीं करना, बिल्कुल अपराधी बलात्कारी भ्रष्टाचार जात नहीं होता। बिल्कुल, इस पे सभी पार्टियों को एक मत हो करके और अपराधी को सजा दिलाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारी आपसे उम्मीद है कि आप हमारे जो यूपी के, जी जी सर जल्दी से पूछे, आपका भाई इधर माइक भेजिएगा। मैं चाहूंगी जो महिलाएं भी यहाँ पर हैं, इधर माइक दीजिएगा, टीम से सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक पूछना चाह रहे हैं सर, जल्दी से पूछेगा, थोड़ा वक्त की कमी है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ग्रेटफुल टू जी न्यूज, बहुत बढ़िया प्रोग्राम आप कर रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस आदमी हूँ। 15 साल 16 साल पहले मेरी दोनों लड़कियाँ नोएडा में रहती थी तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और हम बात करते थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, पिछले 7 साल से ठीक है,
लोगों की मनोव्यक्ति बड़ी खराब है, जो मानसिक जिसके है वो अपराध कर रहे हैं, परंतु इस समय सुरक्षा का बहुत ज़बरदस्त वो है। हम देखते हैं, कल ही मैंने एक महिला से बात की, 10 बजे वो काम कर रही थी, मैंने कहा घर कैसे जाओगी, कल जौनपुर में रहती थी, तो बोली मुझे कोई डर नहीं है, मैं कैब लूंगी, सुरक्षित जाऊंगी और कोई हमको डर नहीं लगेगा। चलिए सर, तो यही योगी सरकार चाहती है कि आप ऐसे अपने आप को महसूस करें। लखनऊ में एक वारदात हुई और आप जानिए 4 घंटे के अंदर, देखिए वो आदमी पागल थे जिन्होंने उस बच्ची के साथ वो किया, बड़ा बुरा लगा, मगर 4 घंटे के अंदर वो दोनों बच्चे पकड़ लिए गए। ये एक बड़ी भारी अच्छी बात है और ये बड़ा अच्छा संवेद जा रहा है पूरे यूपी भर में कि इस समय हम भी सुरक्षित हैं, सीनियर लोग भी सुरक्षित हैं, लड़कियां भी सुरक्षित हैं। जो आदमी अपराध कर रहे हैं, जिनकी मनोस्थिति खराब है, उनको मनोस्थिति मैं चाहूंगा माफी चाहूंगा। देखिए नेता है, क्योंकि अभी संजय जी कह रहे एक बार और मौका, अब ये नेता तो देखिए रैलियों को संबोधित करते, मैं माफी चाहूंगा, हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप शिक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए और रोजगार दीजिए, फिर आपकी सरकार की बल्ले बल्ले होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।